हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे चैनल पे अब जितने भी संविदा की जॉब हो या रेगुलर वैकेंसी जो भी छत्तीसगढ़ में आ रही है उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो इस बार जो है, पिछली बार का वीडियो में आपने देखा था राजनांदगांव में कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव में जो वैकेंसी निकली थी सहायक ग्रेड थी कि उसकी जानकारी मैंने आपको दिया था। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखा तो ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारे वैकेंसी अभी जो है न्यायालय में आ रही है, तो ये अभी धमतरी के लिए आया हुआ है। इसका जो 25 अप्रैल से जो है प्रारंभ हो चुका है फॉर्म, और अंतिम रहेगा 25 मई तक। इसमें एक चीज़ फ़र्क ये था राजनांदगांव में कि राजनांदगांव में आपको स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से वहां पे जाके पोस्ट करना था, मतलब स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं जा सकता था। बट धमतरी में ये इसमें ऐसा है कि आप इसको सिर्फ स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही सेंड कर सकते हैं, बाकी आपको स्वयं जाके जमा नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका, आप 25 मई तक जो है जमा कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो इसमें क्या पोस्ट है, एक है स्टोनोग्राफर हिंदी के लिए, टोटल एक पोस्ट आया हुआ है जो अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है, ठीक है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 3 पोस्ट आया हुआ है इसमें। तो सहायक ग्रेड 3 में जो है ये पूरा जो है आरक्षण से जो है डिवाइड हो चुका है। तो एक पोस्ट किस में आया हुआ है वो देख लेते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए एक भी पोस्ट इसमें नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ओबीसी के लिए भी एक पोस्ट दिया है और अनारक्षित के लिए भी एक पोस्ट, तो 3 पोस्ट दिया हुआ है। ये अनुसूचित जाति वाला जो है अनारक्षित यूआर में भी अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि मेरे लिए तो एक भी पोस्ट नहीं तो नहीं भरूंगा, आप जो है बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आपका जनरल कैटेगरी से भी सिलेक्शन हो सकता है। अब इसका प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं कि कैसे इसमें जो है हम फॉर्म को भरेंगे, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले तो आप फॉर्म को भरने से पहले एक चीज़ देख लीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन उसमें है या नहीं। जैसे स्टोनोग्राफर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो सैलरी है 28,700 से 99,300 के बीच में होती है, ठीक है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है ग्रेजुएशन, ठीक है। मिनिमम जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है वहाँ से अगर कोई अनारक्षित वर्ग का है तो उसको 45% होना चाहिए, अगर कोई आरक्षित वर्ग का है तो 40% के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही साथ जो स्टोनोग्राफर के लिए फॉर्म भर रहा है वो उसके पास में छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन या मुद्रण लेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ में अगर आपके पास DCA PGDCA दो है तो वो भी अपलोड करना जरूरी है, इस मतलब कि फॉर्म के साथ में आपको सब प्रमाणित करके डॉक्यूमेंट करना है। साथ ही साथ आपके पास हिंदी टाइपिंग 5,000 की गति प्रिपरेशन के साथ होनी चाहिए, मतलब आपको ये आना जरूरी है, तभी आप स्टोनोग्राफर में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस अगर आपको तो नहीं आएगा तो आप टाइपिंग में फेल हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए स्पीड रखें टाइपिंग को। सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या रखा गया है क्वालिफिकेशन, सेम क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए 45-40% के साथ में। इसमें आपको हिंदी मुद्रण लेखन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास DCA या PGDCA का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही साथ आपको टाइपिंग आना जरूरी है क्योंकि आपको कौशल परीक्षा तो देना ही है, ठीक है। आपकी आयु कैसे गणना की जाएगी, 1 जनवरी 2023 से लेकर 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष से अधिक ना हो, पूछ रहा है ये देखिए, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं मूल निवासी वो 40 वर्ष तक की छूट दे रहे हैं, देखिए इसको कोई भी भर सकता है, कोई भी जिला के जो है वो इसको भर सकता है, लेकिन अगर कोई छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं वो 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे छूट आप पढ़ सकते हैं क्या क्या छूट दे रहे हैं एज में, ये बहुत सारे चीज़, या इसमें स्पेशल बोनस अंक भी मिलता है, किसी को अवार्ड मिला रहता है देखिए उत्कृष्ट खेल के क्षेत्र में, या कोई राजीव पांडे पुरस्कार, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको मिलता है। अब यहाँ पे कुछ शर्तें रखा गया है कि आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, रोजगार कार्यालय में जो है वो जीवित पंजीयन होना चाहिए अगर कोई शासकीय सेवा के लिए लागू नहीं है, ठीक है। उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु, कई जो है न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर ले जाते हैं वो अपात्र होते हैं, ठीक है, अगर कोई एक से अधिक पत्नी वो भी जो है पात्र नहीं होंगे, तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। परमानेंट जॉब है फ्रेंड्स, जैसे गवर्नमेंट में जो आता है ना रूल, पहले साल आपको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रखी जाएगी, 70%, 80%, 90% इस टाइप का आपके जो सैलरी है वो मिलेगा, तो परमानेंट जॉब है, बिल्कुल आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि चयनित उम्मीदवारों को धमतरी जिले के बाहर न्यायालयों में भी नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है, फॉर्म धमतरी के लिए भर रहे हैं, बट अगर जरूरी होगा तो ये बाहर न्यायालयों में भी इसका नियुक्ति की जा सकती है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब कैसे फॉर्म को भरना है ये देख लेते हैं साफ साफ। आवेदन जो है चालू हो चुका है 14 अप्रैल से,
24 अप्रैल से, आपको 24 मई तक इसको भरना है शाम के 5 बजे तक, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको एक बंद लिफाफा वाइट जो मैंने पिछले में भी बताया था उसमें आवेदित स्टोनोग्राफर के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन ऐसा लिखना जरूरी है, बाएं साइड से लिखते हुए यहाँ से लाना है ऊपर में। और यहाँ पे प्रति लिखा जाता है, कहाँ भेज रहे हैं आप उसका नाम लिखना है, जैसे कि मैं कहाँ पे भेज रहा हूँ आगे इसमें लिखा रहेगा, जैसे ये न्यायालय है और यहाँ पे आपका प्रेषक आता है, आपका नाम आता है, ठीक है। चलो आगे लास्ट और बताऊँगा इसका, अगर ऑफिशियली वेबसाइट में जाएंगे तो सारा डॉक्यूमेंट आपको इसको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वप्रमाणित करके आवेदन को भेजना है। सारा डॉक्यूमेंट आप 10वीं 12वीं अपना पहचान पत्र आधार कार्ड जो भी सारा चीज़ को इसमें जो है अपलोड कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में देखिए नियुक्ति प्रक्रिया कैसे की जाएगी, तो यहाँ पे नियुक्ति जो है एक पद के लिए 15 के अनुपात में बुलाया जाएगा, जैसे एक पोस्ट के लिए 15 गुना को बुलाया जाता है, तो जैसे कहीं पर सहायक गेट थ्री पे 3 पोस्ट है तो 45 लोगों को जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और ये टाइपिंग किस में होगा ये भी देखा, हम नॉर्मली हम टाइपिंग किस में लेते हैं, एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं, लेकिन बट इसमें रूल अलग है। उबंटु एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें लाइबर ऑफिस होता है, अगर आप चाहें तो लाइबर ऑफिस जो है गूगल में जाके सर्च करेंगे लाइबर ऑफिस, तो इसका सॉफ्टवेयर जो है आप विंडोज 10 एक्स आपका XP हो 11 हो किसी भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। सेम सहायक ग्रेड 3 के लिए भी है, आपको 250 वर्ड का एक गद्यांश दे दिया जाएगा जिसको 10 मिनट के अंदर में आपको क्या करना है, शुद्धता के साथ टाइपिंग करना है। गलती करने पे आपको 1/5 अंक काटा जाएगा जो होल्डिंग बोल्ड पैराग्राफ सेटिंग टाइप की अशुद्धि के लिए होगी। लाइबर ऑफिस आजकल जितने भी न्यायालय है ये लाइबर ऑफिस का ही उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। कौशल परीक्षा लेने के बाद में मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, इसी के आधार पर आपका चयन होगा। और बाकी और देख लेते हैं, देखिए जो चयनित हो जाएंगे उम्मीदवार उसको ये सारा मूल प्रति के साथ अनिवार्य होना होगा, आपको चिकित्सा बोर्ड के साथ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा, ये बाकी और जानकारी आपको मिलेगा जैसे जैसे होती जाएगा, आगे की जानकारी मेरे चैनल पर बने रहिए। अब ये है इसका फॉर्म, कैसे प्रारूप को भरा जाता है वो देख लेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग सिर्फ ओनली फोटो को ऐसे ही अपलोड कर देते हैं, अगर आप नॉर्मली फोटो जो होगा करेंट में उसको ऐसे डाल देंगे तो आपका वहीं पे अपात्र हो जाएगा, तो फोटो बनाइए जाइए और फोटो के नीचे में अपना नाम लिखिए, और जिस दिन भी फोटो खिंचा रहे हैं या अभी जस्ट ज़्यादा महीने पुराना भी नहीं होना चाहिए, 2-3 महीने चलेगा, और उसके नीचे में डेट लिख दीजिए, जैसे आज मैंने 24 तारीख को निकला तो मैंने 24 तारीख को फोटो खिंचाया, ऐसा करके आप जो है उसमें लिख लीजिए, ये होना जरूरी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि फोटो नाम और दिनांक सहित होना चाहिए, और यहीं पे आपको क्या करना है, जो फोटो चिपकाएंगे ना इसमें स्वहस्त इसमें आपको ऐसा साइन कर देना है जो सिग्नेचर करते हैं, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आवेदित पद का नाम, जैसे सहायक ग्रेड 3 के लिए हम असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भर रहे हैं वो डालेंगे, आपका आवेदक का हिंदी में नाम डालना है, इंग्लिश में ब्लॉक का मतलब होता है कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। आप पुरुष हैं तो 1, महिला हैं तो 2, ऐसा को दोनों में से एक चॉइस करेंगे। पिता या पति का नाम, आप स्त्री हैं तो पति का नाम डाल सकते हैं, शादीशुदा हैं तो, ठीक है। अपना व्यवहार जो वर्तमान में कहीं और रह रहा हो या स्थाई जो भी अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दीजिए। जन्म तिथि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे 12 जुलाई मेरा है 1996 से, शब्दों में लिख लीजिए। शब्दों में डाउट होता है कैसे लिखें, तो आपको 1, 2 ऐसे नहीं लिखना है, ये लिखा है जैसे ये तो 12 जुलाई 1996 ऐसे लिखना है, और 1 जनवरी 2022 को आपकी आयु कितनी हो जाएगी लिखा है तो आप काउंट कर लीजिए। DOB गूगल में आप साउंड करेंगे ना DOB काउंट करके तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। छत्तीसगढ़ के निवासी हैं क्या पूछा है, तो हाँ है, तो निवास पत्र होना चाहिए तभी डालेंगे। आप कौन से कास्ट साथ ST SC OBC तो डाल दीजिए, हाँ तो किस में आते हैं टिक लगा देंगे। आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है, अंकित करें ये देखिए। भूतपूर्व सैनिक जो सैनिक आर्मी से रिटायर हो, बहुत सारे और होते हैं जो भूतपूर्व सैनिक में आते हैं, हाँ हैं तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं, ठीक है। जीवित पंजीयत क्रमांक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आजकल बहुत सारे अपात्र हो रहे हैं, क्योंकि कई पुराना डाल देते हैं, कोई नवीनीकरण नहीं कराए वो डाल देते हैं, तो अच्छे से चेक कर लीजिए उसके बाद ही डालेंगे। आप मैरिड है तो मैरिड डाल लीजिए,
अगर हैं तो विवाह की तिथि डाल देना है, अगर बच्चे हैं तो बच्चे की जानकारी बताइए। अब यहाँ से जितने भी शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि आपका 10वीं 12वीं फिर ग्रेजुएशन है कॉलेज का डाल दीजिए, मास्टर है तो मास्टर डालिए, कंप्यूटर का भर रहे हैं तो कंप्यूटर में PGDCA भरना जरूरी है, वर्ड्स डाल दीजिए पूरी जानकारी। अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब या अर्धशासी कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन दीजिए, यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसको क्रम से इसी के अनुसार जमाइए, ठीक है, इसी के अनुसार जमाना है। हाई स्कूल में संलग्न लिखिए, हायर सेकेंडरी संलग्न, जो भी डालते जाएंगे इस सारा चीज़। हाँ, अगर मान लीजिए हिंदी लेखन संघ नहीं है तो संलग्न नहीं लिखना, क्योंकि आपका ये ज़रूरी नहीं है, जो भी है संलग्न है करके लिखिए और यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर दीजिए। फिर से यहाँ पे अपने इन्फॉर्मेशन डालिए, फिर ये देखिए, ये इसको संभाल के रखना है PDF को। जिस दिन आपका नाम आएगा परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन होता है ये, ठीक है, परसेंटेज बेस पे ये मेरिट लिस्ट निकाला जाता है, कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, उसमें जब लिस्ट निकलेगा तो उसमें आपका पंजीयन क्रमांक लिखा जाएगा, अनुक्रमांक रोल नंबर भी आएगा, तो उसको लगाना है। और फोटो, वही फोटो जो इसमें लगाएंगे वो यहाँ भी लगा के आपको प्रवेश पत्र के साथ ले जाना है, कोई अलग से प्रवेश पत्र और नहीं दिया जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। कोई भी जानकारी तो चाहिए तो और कमेंट करके जरूर पूछिए। इसी तरह जितने भी आ रहे हैं, ये तो धमतरी का है, सूरजपुर का बहुत सारे आ रहे हैं, बालोद बहुत सारे जिलों में आ रहे हैं, तो सारे जो है मैं जानकारी बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए।